बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहो कि रात और दिन में खुदा से तुम्हारी कौन हिफाजत कर सकता है। बात यह है कि ये अपने परवरदिगार की याद से मुंह फेरे हुए हैं। क्या हमारे सिवा इनके और माबूद हैं कि इनको मुसीबतों से बचा सकें। वे आप अपनी मदद तो कर ही नहीं सकेंगे और ना हमसे पनाह ही दिए जाएंगे, बल्कि हम उन लोगों को और उनके बाप दादा को नवाजते रहे, यहाँ तक कि इसी हालत में उनकी उम्रें बसर हो गईं। क्या ये नहीं देखते कि हम ज़मीन को उसके किनारों से घटाते चले आते हैं, तो क्या ये लोग गलबा पाने वाले हैं? कह दो कि मैं तुमको खुदा के हुक्म के मुताबिक नसीहत करता हूँ, और बहरों को जब नसीहत की जाए तो वे पुकार को सुनते ही नहीं, और अगर उनको तुम्हारे परवरदिगार का थोड़ा सा अजाब पहुँचे तो कहने लगे कि हाय कमबख्ती, हम बेशक गुनहगार थे और हम क़यामत के दिन इंसाफ की तराजू खड़ी करेंगे, तो किसी शख्स का ज़रा भी हक ना मारा जाएगा और राई के दाने के बराबर भी किसी का अमल होगा तो हम उसको ला मौजूद करेंगे, और हम हिसाब करने को काफ़ी हैं। और हमने मूसा और हारून को हिदायत और गुमराही में फ़र्क कर देने वाली और मुकम्मल रोशनी और नसीहत की किताब अता की, यानी परहेजगारों के लिए जो बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते हैं और क़ियामत का भी डर रखते हैं। और यह मुबारक नसीहत है जिसे हमने नाजिल फरमाया है, तो क्या तुम इससे इनकार करते हो?